नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो में मोल्डिंग डिजाइन बना के दिखाएंगे और ये मोल्डिंग डिजाइन काफ़ी अच्छा है। और इस वीडियो को अगर जब आप देखते हो तो आप सोचते हो कि इस डिजाइन को बनाने के लिए, तो आप भी इस डिजाइन को बना सकते हैं। इसका मार्क बताएंगे, इसका मार्क क्या है और ये किस तरीके से बनाया जाता है, आप लोगों को पूरा विधि इसका बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और कहीं भी आप लोगों को दिक्कत है और तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, पहले आप लोगों को ले चलते हैं इसका मार्क की तरफ से, किस तरीके से इसका मार्किंग किया जाएगा। तो दोस्तों, डिजाइन जो है यहीं आप देख सकते हो, यह मोल्डिंग बनाया गया है, इसको मोल्डिंग बोला जाता है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पे जो बनते हैं उसको कार्नेज बोलते हैं, लेकिन कुछ भाई लोग इसको मोल्डिंग बोलते हैं। तो हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं है, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है, इसका मोल्डिंग हम लोग बोलते हैं। आप अपने एरिया में इसको क्या बोला जाता है वो अलग अलग स्टेट के ऊपर मतलब इसका जो है नाम है, ठीक है। तो हम लोग इसको कॉर्निश बोलते हैं और इसको जो है मोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये मोल्डिंग जो है तीन गोलाई और दो टक वाला है, एक टक इधर है, एक टक उधर है, ये मोल्डिंग है, ठीक है। इस तरीके से चाहे तो आप बना सकते हो मोल्डिंग, और नहीं तो आप दो गोलाई वाला मोल्डिंग के साथ भी बना सकते हो, चार गोलाई वाला के साथ भी बना सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आपको कितना गोलाई का मोल्डिंग लेना है। हालांकि ये तो बात आप लोग को हो गया कम्प्लीट। दोस्तों, ये जो मार्क दिख रहा है आपको, ये मार्क है जो मोल्डिंग बनाते हैं, इसका मार्क है। इस मार्क को कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को इस मार्क को लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको नहीं लगाना, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब ये कॉर्निश आप मोल्डिंग आप यहाँ तक बना देंगे और ये मोल्डिंग आगे तक बना देंगे, इस डिज़ाइन को बनाने में आप लोगों को ये डिज़ाइन दो तरीके से बैठा सकते हैं। एक तो बाहर की तरफ से बैठा सकते हैं और एक तो अंदर की तरफ से बैठा सकते हैं। ये अंदर वाला भाग है जो इधर फैन जाता है, फैन की तरफ जाता है, वो अंदर की तरफ भाग है। ये बाहर वाला भाग है जो कॉर्निश की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये जो डिज़ाइन बनाया गया है अंदर की तरफ से बनाया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आप लोगों को मार्क इसका हम पूरा आप लोगों को बताते हैं। देखिए, यहाँ से जो यहाँ का दूरी है, यहाँ से दूरी पूरा, ये दोनों, इस दूरी को आप कितना रखेंगे, इस दूरी को आप कितना रखेंगे, ये दूरी आप चाहे तो 10 इंची और चाहे तो 8 इंची, चाहे तो 1 फीट, इतना दूरी इसको रख सकते हो। देखिए दोस्तों, जब यहाँ से आप नापेंगे 1 फीट, यहाँ तक समझ लीजिए आ गया, चाहे 10 इंची यहाँ तक आ गया, फिर 10 इंची जहाँ तक, ये जहाँ तक कटिंग होगा वहाँ आपको दोनों मार्क लगा देना है, ठीक है। हालांकि दोस्तों, ये जो डिजाइन बनेगा, ये हमको तो बस एक ही बार मार्क लगाने में दिक्कत होता है बैठाने में, बाकी उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ से दोनों मार्क लगा लीजिएगा। जैसे कि देखिए, आपको एक और दिमाग दे देते हैं, इसको सीधा सीधा लगाने का सूत्र का तरीका होता है। जैसे यहाँ से नाप लीजिए 10 इंची, फिर इधर से नाप लीजिए 10 इंची, ठीक है, 10 इंची 10 इंची, फिर यहाँ से उधर पकड़ लीजिए, यहाँ से उधर पकड़ के जहाँ पे निशान लगाए हैं, यहाँ से आप इधर तक रख के इसके निशान से मिला के सीधा आप आगे तक पकड़ लेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, ठीक है, ये वाला निशान सीधा हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों, यहाँ पर 10 इंची, फिर यहाँ पर 10 इंची, यहाँ से नापे, फिर यहाँ से सीधा मारेंगे तो सीधा हो जाएगा, बिल्कुल सीधा ये कट जाएगा। जहाँ आपको कटिंग करना होगा वहाँ पर ये कटिंग हो जाएगा। जब आप काम करोगे दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये दोनों मार्क 10 इंची रख सकते हो, ये तो हो गया आप लोगों को कम्प्लीट। इसके बाद से करना क्या है, देखिए, जो फार्मा यहाँ पर सेटिंग किया जाएगा, इस फार्मा को सेटिंग किया जाएगा, यही फार्मा सेटिंग होगा इधर, आप लोग तो ये पता है कि यही फार्मा सेटिंग होगा क्या। अब इसको यहाँ पर कटिंग करने के लिए कुछ इस तरीके के आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत पड़ेगा इस फार्मे को, इस डिज़ाइन को यहाँ पर बिल्कुल कटिंग करने के लिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, आप लोगों को मार्क लगा लगा के चेक करना पड़ेगा। यहाँ से जैसे मार्क लगाए, जैसे फार्मे का जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग है इस निशान के पास, देखिए ना, एक इंच पहले, मतलब फार्मा के ऊपर वाला भाग आप गुलाई करोगे ना, गुलाई करोगे, अब इधर से गुलाई करोगे, तो आपको ये देखना है कि ये जो बीच वाला जो निशान दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला इसके पूरा साथ में गया है कि नहीं गया है, ठीक है। अगर जब बड़ा हो जाएगा तो ये बन जाएगा और ऊपर से, जैसे कि यहाँ पर रख दिए और फार्मा यहाँ से बना के और बड़ा कर दिए, तो ये आ जाएगा डिजाइन ऊपर, ये भी डिजाइन आ जाएगा ऊपर। तो क्या होगा कि ये गुलाई आ जाएगा इस साइड से और ये गुलाई आ जाएगा इस साइड से, तो बीच में कुछ इस तरीके से डिजाइन जो है बन जाता है, ठीक है। लेकिन इसको क्या हुआ है, इसको उस तरीके से बनाया नहीं गया है, इसको उसी टाइप से बनाया गया है कि बिल्कुल मतलब दोनों का कटिंग बराबर हो गया। ये फार्मा चले तो इसी के लाइन के ऊपर जाए, ये फार्मा चले तो इसी के लाइन के ऊपर जाए, ठीक है दोस्तों। ये इस तरीके से इस डिजाइन को बनाया गया। इस डिजाइन को बनाने के लिए दोस्तों कम से कम दो तीन इसमें का डिजाइन बन जाता है, लेकिन इस डिजाइन को उसी टाइप से बनाया गया है कि यहाँ पर कटिंग हो जाए। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जब यहाँ पर फार्मा फिट करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, ये निशान है ना, यहाँ पे निशान, इस निशान से एक इंची अंदर इसका बाहर वाला मार्क जो आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
और इसका भी बाहर वाला मार्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और जो फार्मा का मार्क जो होगा, इसका मार्क और इसका मार्क दोनों एक ही साथ कट जाएगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा। हालांकि दोस्तों अगर जो मेरा बात से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आप लोगों को एक पर्सनली इसका ड्राइंग वाला भी वीडियो आप लोगों को बना के हम दिखा देंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखिए और फार्मा का नाप देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये डिज़ाइन किस तरीके से बनाया गया है। सबसे पहले गीला इसलिए किया जा रहा है कि ये जो पहले छत जो है सूख गया है, इसलिए गीला किया जा रहा है कि ये इसके ऊपर पकड़ करेगा पीओपी। ये थोड़ा ये फर्मे का जो साइज है थोड़ा सा थिकनेस इसका ज़्यादा है, इसलिए दोस्तों ये डिज़ाइन देखने में और खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को थिकनेस आप मोटा पतला आपको जितना रखना होगा आप रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये फर्मा आप लोगों को सेम टू सेम काटेंगे तभी सेम टू सेम ये डिज़ाइन बनेगा, ना 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 ऐसा कुछ नहीं होगा। आप चाहे तो इसको चार गुलाई में बनाओगे तो विधि वहीं रहेगा, बस साइज बढ़ जाएगा और कुछ नहीं, विधि वही रहेगा साइज बढ़ जाएगा। इसको इसको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके जहाँ निशान ये दोनों सूते काया है वहाँ से रख के आप इसको कटिंग कर सकते हो, ठीक है। ये वहाँ पर रख के इसके कटिंग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा आगे भी रख दोगे तभी कटिंग हो जाएगा, थोड़ा सा पीछा रहेगा तभी कटिंग हो जाएगा। अब फर्क पड़ता है इसका राउंड के ऊपर, क्योंकि राउंड ये जो है आगे करोगे तो बड़ा सा राउंड होगा और नीचे करोगे तो थोड़ा छोटा राउंड बनेगा, और कुछ नहीं दोस्तों। दोस्तों ये डिज़ाइन कितना जल्दी कंप्लीट हो, ये डिज़ाइन दोस्तों एक ही बार के मसाले में पूरा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन डिफेंट ये भी पड़ता है कि आप इसको कितने बार में कंप्लीट करते हो, एक बार के मसाले में कंप्लीट करते हो कि दूसरा का बार के मसाले में कंप्लीट करते हो, ठीक है। लेकिन ये एक बार के मसाले में कंप्लीट हो जाता है। जो नए भाई है उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन जो भाई पहले से बनाते हैं उनको जानकारी है तो एक ही बार में डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है डिज़ाइन, आप लोग पूरा देख लीजिए इसको ध्यान से, और इस तरीके से आप लोग इस डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा दोस्तों तो आप लोग मेरे को कमेंट कीजिएगा, इसका ड्राइंग वाला वीडियो जो है हम आप लोग को दे देंगे। दोस्तों ये कोने वाला डिज़ाइन आप बताइए कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा, ये डिज़ाइन मेरे को अच्छा दिखता है, लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये डिज़ाइन कैसा है। हालांकि दोस्तों मैं हर एक वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि कमेंट करके बताइएगा, लेकिन कोई भाई कमेंट नहीं करता है, क्योंकि अभी तक कोई वीडियो देखता ही नहीं है, इतना अभी तक कोई वीडियो भाई नहीं देखता है मेरा, इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। सभी भाई बीच वाला सीन देखते हैं, लेकिन जो मैं बात बताता हूँ वो कोई नहीं देखता है, ठीक है। सभी लोग देखेंगे जो काम करते हुए देखेंगे, जो मैं वहाँ बताऊँगा वही बात सुनेंगे, लेकिन लास्ट वाला पार्ट कोई नहीं देखता है। लास्ट वाला पार्ट देखे ना तो भाई कमेंट आप लोग जरूर करेंगे, लेकिन कोई लास्ट में देखता ही नहीं है। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाइएगा।